गंगा माई देख रहे हैं, देखिए, और थोड़ा ठंडा है बस सारा पाप भूल जाएगा। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। दोस्तों वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहा है 10 और अभी हम निकलेंगे टूर के लिए और सभी हम लोग तैयार हो गए हैं और यहां से अब गाड़ी को निकालेंगे और हम लोग अभी हैं इटखोरी में। इटखोरी से निकलेंगे आज लंबा टूर के लिए, सभी निकलने वाले हैं भैया सब के साथ। तो चलिए आप लोग पूरा वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, आप लोगों को पूरा दिखाते हैं। तो देख सकते हैं अभी हम लोग टूर के लिए निकल गए हैं सभी को, और देखिए यहाँ पे रोड में कितना कुहेसा लगाया हुआ कि कुछ आगे दिख नहीं रहा है। बस हम लोग निकल गए हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं भद्रकाली मैया के नाम लेके। और तो अभी देखिए 1000 का पेट्रोल हम लोग यहाँ से अभी भरा रहे हैं और बहुत मकसद के बाद हम लोगों को पेट्रोल मिला है यहाँ पे और अभी डलवा रहे हैं। और ये लड़का को देख सकते हैं जो कि रोड से उठा लिया है और अभी डलवा रहे हैं पेट्रोल, उसके बाद और आगे डलवा लेंगे। ये देखिए, देख सकते हैं गाइस। ए बॉयज देखिए कितनी सुंदर नजारा। हम लोगों को बड़ी कष्ट से गुजरना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा 10 और 20 के स्पीड में। देख सकते हैं ये कितना कुहासा लगाया हुआ है कि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, फिर भी ड्राइविंग करते हुए हमारे ड्राइव कर रहे हैं धीरे धीरे। हैवी ड्राइवर, हमको लगता है कि चंदन को उतार दे और आगे बोले कि तू टॉर्च ले जा भाई, हम आते हैं पीछे पीछे। मैंने कर सकते हैं, मैंने तो बोला फ्लैश जला दो क्या, हमको लगता है सभी को उतार दे। समझ रहे हो ना। चलिए फिर आगे दिखाते हैं आप लोग को। तो आप लोग देख सकते हैं लगभग हम लोग 10 बजे निकले हैं और अभी तक पहुंचे ही नहीं है। लगातार ड्राइव कर रहे हैं बट पहुंच नहीं पाए हैं क्योंकि एक कुहासा जो आपको दिख रहा है, अभी टाइम हो चुका है देखिए 8 बजने ही वाला है बट ये कुहासा हट नहीं रहा है, तो इसकी वजह से हम लोग जल्दी पहुँच नहीं पा रहे हैं। अब देखते हैं कितना देरी में पहुँचते हैं, इसका पता नहीं। हम लोग जब निकले तभी ये कुहासा आने को हुआ, पहले आता तो क्या होता। और अभी हम लोग ए रोड से सीधे जा रहे हैं सुल्तानगंज, वहाँ से जल उठाएंगे और फिर सीधा आएंगे देवघर। तो आपको आज पूरा सुल्तानगंज का नज़ारा दिखाने वाले हैं, तो पूरा मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। फाइनली गाइज हम लोग पहुँच गए हैं सुल्तानगंज, काफ़ी कष्ट करने के बाद। आज कुहासा काफ़ी ज़्यादा था तो धीरे धीरे आना पड़ा, और रोड भी वैसा नहीं था, 4 लेन नहीं था, बस 2 लेन था, तो और धीरे धीरे आना पड़ा। और लगभग हम लोग 10 बजे निकले थे, 10 बजे रात में, और 10 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। लगातार 12 घंटे ड्राइव किए हैं उसके बाद यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ से हम लोग जल उठाते हैं, उसके बाद उठा के सीधा जाएंगे देवघर और वहाँ पर जल चढ़ाएँगे। उसके बाद फिर आगे देखते हैं कहाँ जाने का प्लान होता है। और वो देखिए आगे भैया ही सब गए हैं और हम पीछे से जा रहे हैं। यहाँ पे स्नान स्नान करेंगे, फ्रेश व्रेश पूरा होएंगे, उसके बाद यहाँ से सीधा निकलेंगे। तो ये देखिए सुल्तानगंज का गंगा नदी, जो कि यहाँ से सभी कांवरियों जल उठा के सीधा देवघर लेके जाते हैं पैदल, और अभी हम लोग भी यहाँ से स्नान करेंगे उसके बाद सीधा लेके जाएंगे गंगा जल यहाँ से उठा के। तो देखिए यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार है, पूरा तो आप लोगों को दिख नहीं पाएगा क्योंकि पूरा कुहासा है तो दिखेगा नहीं, बस जितना दिख रहा है उतना दिखा दे रहे हैं। इधर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, पूरा कुहासा है तो कुछ दिखेगा नहीं, बस देखिए। और इधर भैया से सब हम लोग आए हैं, हम लोग भोले बाबा के पास जाने के लिए सब ये खरीद रहे हैं और यहाँ से खरीदेंगे, उसके बाद स्नान करेंगे, उसके बाद जाएंगे यहाँ से जल लेके, उसके बाद वहाँ पे चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे भी एक मंदिर है जो कि देखते हैं, वहाँ पे भी दर्शन करते हैं। तो चलिए तब तक खरीदते हैं, तब हम लोग खरीदे हैं। कैमरा मैन हमारे अरविंद भैया जो कि नहीं खरीदेंगे, कोरिया है एक नंबर के। अच्छा
देखिए हम लोग कब से खरीद रहे हैं, सही से खरीद नहीं हो पा रहा है। देखिए बस अब यहाँ कोरिया हम लोग खरीदेंगे और जाएंगे स्नान करेंगे, उसके बाद यहाँ से जल उठाएंगे और निकलेंगे। कपड़ा ले लिए हैं और जल लेने के लिए डब्बा भी ले लिए हैं यहाँ से। चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग पे, आप लोगों को पूरा दिखाते हैं। अभी तो सबसे पहले तो स्नान करेंगे वहाँ पे, तो चलिए सीधा चलते हैं। देखिए तो बाबा लेके जा रहे हैं, सीधा स्नान करने के लिए चल गए हैं। तो वीरेंद्र भैया, हाय गाइस, दो शब्द थोड़ा देर के बाद नहाने के बाद मतलब दो शब्द बोलने बोल रहे हैं। हाँ तो अभी थोड़ा ठंडा लग रहा है ना, कुछ देर में हम लोग सबसे पहले स्नान कर लेते हैं, क्योंकि देख सकते हैं मौसम, आप लोग खुद देख सकते हैं मौसम बहुत ही खराब किया हुआ है, तो ठंडा भी लगेगा। आए यहाँ पे तो स्नान करके ही लेंगे और जल उठा लेंगे, तो देवघर में जाके चलाएंगे। तो देख सकते हैं अभी हम लोगों को भी डुबकी वहाँ पे लगाना है, डुबकी लगा के निकलेंगे, क्योंकि अभी से ही बहुत ठंडा लग रहा है, कैसे नहाएंगे, पूरा ठंडा तो बहुत ही ठंडा लग रहा है। देखिए सब यहाँ हम लोग थके हैं और सब नहाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आप कोरिया उनको देख रहे हैं, सबसे बड़ा कोरिया कपड़े पे स्नान कर सकते हैं बाबा। बाबा का खोज रहा है, इसका गेका बैठ गया। देख सकते हैं गाइस, हम लोग अभी नहाने जा रहे गाइस गंगा में। गाइस इन लोग देखिए ठंडा से इन लोग कांप रहा है। इन लोग पहले आगे नहाएगा, पीछे सबसे पीछे हम नहाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में, आगे दिखाते कंटिन्यू। एक चुपकी हो गया, ठंडा लग रहा है। पांच बार चुपकी लगाना, पांच बार चुपकी लगा ले जाएंगे गंगा माई। देख रहे हैं, देखिए और थोड़ा ठंडा है पर सारा पाप भूल जाएगा। जय गंगा मैया। वो तरीके बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है भाई, मत आना देखने के बाद, आप लोग मत आना भाई। ये चिपकी हम भी आएंगे, हम भी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे चुपकी। सुमन आप बिल्कुल मत आना, बहुत ठंडा है यार, ले मैं शूट कर रहा हूं। यार पीछे से कैसे लाएंगे इसके सोच। ओ चक्कर नहीं, बंद कर दीजिए। अरे अरे देखिए गाइस, दो डुबकी लगाए हैं और अभी तीन और लगाते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे स्नान कर लिए हैं और यहाँ पे जल भी उठा लिए हैं, बस यहाँ पे संकल्प करवाना है जल को। यहाँ से संकल्प करा के हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो अभी हम लोग पूरा स्नान कर लिए हैं और चलिए बन रही है मेरे इस ब्लॉग पे। ठंडा तो शुरू टाइम लगा और जब नहा लिए तो फिर नहीं लगा, तो चलिए बन रही है मेरे इस ब्लॉग पे, हम लोगों को पूरा दिखाते हैं। ओम चंदन बंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनं आपदारते नित्यं लक्ष्मी वस्तु सर्वदा बाबा अजगर विनाथ की जय। इधर आइए चंदन बाबू, आ जाएगा क्या? कैमरा लाने लगा दिए, कैमरा लाने के लिए बोले चंदन बाबू, आइए इधर। जय माली,
भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, बोली हरिओम हरिओम तस्यत श्री श्वेत सारा कल्पे जम्बूदीपे आर्यावर्ते कलियुगे प्रथम चरणे मासानाम मासोतमे उत्तमे मासे महामासे उस मासे शुभ मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायां पुण्यतिथो नीतायां महा सोमवासरे अपना नाम गोत्र लीजिए मन में बाबा वैद्यनाथ मैया पार्वती काल भैरव नानो देवी देवता पूजन संकल्प गाड़ी यात्रा यातायात संकल्प सकल परिवार सकल कुटुंब सकल मनोरथ पूर्ण हेतु बाबा विद्यनाथ बाबा बासुकीनाथ मैया पार्वती गंगा जल संकल्प गाड़ी यात्रा करिए गंगा माई प्रणाम करिए बोले सत्यो गंगा भगवती दिव्य नज गए भी बाबा पीछे प्रणाम करिए बाबा अजगे बिना गंगा भगवती दिव्य नम नमः शिवाय नमो नमः सूर्य भगवान को ओम जो कुर्वन्ते दिने दिने जन्मांतरे सहस्त्रेखो दारिद्रणो उपजायते ओम श्री गणेशाय नमः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि ओम हे देवों के देव महादेव महात्मा नाम महाजोगी महेश्वर महापाप हरंचे वो ओंकाराय नमः शिवाय नमो नमः गणानंता गणपतिध्वं हवामहे प्रियानंता हवामहे निध्यानंता निधिपतिध्वं हवामहे बाबा वैद्यनाथ की जय बोले बोल बाप बोल बाप बोल बाप बोल बाप बोल बाप क्या बोलोगे बोल बाप क्या लिखोगे बोल बाप क्या पढ़ोगे बोल मन से बोलो बोल बाप तन से बोलो बोल बाप बोलो देवी देवी उत्तरवाणी कामना सिद्धार्थक ब्राह्मण भोजन धारने में नहीं होगा निकल जाए पत्ता नहीं तुरंत निकल जाएगा थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के दीजिए सुपारी दीजिए मैया पार्वती की जय बाबा अजगरीनाथ की जय सच्चे दरबार की जय काशी विश्वनाथ की जय दुर्गा मैया की जय काली मैया की जय विषहरी मैया की जय बोले ओम वनस्पते रसो भूतो गंडत्व गंडत्म आग्रयामी दीपम शमर्पयामी श्री गंगा भगवती देवी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता जाकी पार्वती पितामह देवा एक दंत दया चार गुटा रे माके सिंधु सुबे मुंह से की सवाई अंधे को हंक दे टकोरियन को गाया भाजन पुत दे तो निरतन को माया पान चढ़े फूल चढ़े और वे बाल अड़बन का भू लगे संत करे सेवा दीन के राज शंभु सुत भाई कामना को पूरी करो धरती पर हरि मंदंदा ओए माता च पिता ओए बंधु च ओए सुल्तानगंज यहाँ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है सावन के महीने में, ठीक है। ऐसे तो बारह मास कुछ न कुछ यात्री भक्तगण चलते रहते हैं। जैसे अभी ऑफ सीजन पूछ चल रहा है, इसमें तो घाट पर देख रहे भक्त कितना लोग आ रहे हैं, थोड़ा मोड़ा बहुत दो चार पाँच गाड़ी दस गाड़ी आते हैं, मगर नेक्स्ट टाइम अगले वर्ष की तरह इस वर्ष 1 जनवरी का जश्न जो है अच्छा से मनाया गया। भक्त लोग भी अच्छे कम से नहीं 10,000 की संख्या में भक्त पहुंचा, जो बाबा वैद्यनाथ को जाके वहां पे अभिषेक किया। और वहां पे बाबा का अभिषेक करने के बाद अगले वर्ष ऐसा नहीं था कि
8 घंटा लाइन में लगना पड़ता था, इस बार सुबह के 8 घंटा से लेकर 9 घंटा के बीच में बाबा को जल देवघर में अर्पण हुआ। इसी तरह कोरोना के वजह से थोड़ा भयभीत था लोग, तो इसी वजह से यहाँ बाबा का जल भी किया। लोग को उमंग उत्साह काफ़ी था कि बाबा को जल ढारें, अपना घर के लिए सुख समृद्धि कामना के लिए, परिवार के लिए सुख समृद्धि कामना के लिए बाबा बैद्यनाथ को पूजा अभिषेक किया। और यहाँ से आते हैं तो फिर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे आने के बाद हर एक मनोकामना यहाँ से सफल होता है। बाबा अजगैबीनाथ धाम सुल्तानगंज। पंडित थे जो कि इनका नाम मनीष झा था, जो कि कुछ जानकारी यहाँ के बारे में बताएं। तो अब हम लोग यहाँ से सीधा जल लेते हैं और निकलते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ ठंडा भी लग रहा है और यहाँ से हम लोग निकलेंगे भी। तो चलिए बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे, आप लोगों को आगे पूरा दिखाते हैं। यहाँ पे एक और मंदिर है, वहाँ पे देखते हैं, जाके जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ का भी नज़ारा दिखाते हैं। बताएं कि यहाँ पे जैसा सीढ़ी यहाँ पे बना हुआ है, ऐसा सीढ़ी वहाँ पे बना हुआ है माटी, जहाँ पे अभी आपको माटी दिख रहा है। ये माटी इसलिए दिख रहा है कि जब पानी आता है ना तो पूरा पानी यहाँ तक आ जाता है, तो पानी आता है तो ये माटी इसलिए यहाँ पे अभी है। तो यहाँ पे काट रहे हैं और जो स्टील का जो बनाया हुआ है, वो स्टील का सिर्फ वहाँ पे नहाने के लिए बनाया हुआ था, जो कि अभी पूरा माटी आ गया है। तो अभी इधर का देखिए, इधर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। यहाँ का देखिए, और उधर वहाँ पे, उधर जो कि वहाँ पे जो जिनका मृत्यु होता है, जो मतलब कहीं गजते उजते हैं कि यहाँ पे आन के जलाया जाता है, तो वहाँ पे वो साइड उनका घाट है जो कि वहाँ जलाया जाता है। तो देखिए अभी हम लोग सुल्तानगंज से जल लेके निकल गए हैं देवघर के लिए। देखिए, और तो अपना अपना बताइए कि स्नान करने में कैसा लगा आप लोगों को? बहुत मज़ा आया, लेकिन बहुत ठंडा भी लगा नहाने में, बहुत ठंडा पानी था, बट अभी अच्छा लग रहा है। ठिठुर के लिए था उसका घेगा बैठ गया, ठिठुर गया बेचारा, लेकिन फीलिंग बेटर, फीलिंग बेटर, फीलिंग बेटर, बट हल्का हल्का ठंडा लगे बट मजा आया गंगा स्नान करके। तो चलिए सीधा मिलते हैं देवघर में, या फिर अगर ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे, आप लोगों को पूरा दिखाते हैं और क्या क्या करते हो भी दिखाते हैं। वाह वाह, क्या क्या करना है, क्या क्या अभी तो स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे। चलिए फिर, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर शंभु, बोल बम, बोल बम, बोल बम।